टेबल पर जितने अजीब चीजें बिछाए जा रहे हैं उतना ही अच्छा है। उनके साथ करने के लिए बहुत मजेदार चीजें होंगी। और क्या होगा अगर हम केवल लाल कैंडी की बात करें? ये एक सुपर मीठी लाल चुनौती है। एमा और सारा अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। वे कैंडी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और ढक्कन नंबर एक के अंदर है आंखें। वैसे हाँ, पर यह स्वादिष्ट गमी आईबॉल्स हैं। एमा के पास इन ट्रीट्स के खिलाफ कुछ भी नहीं है। और यह काफी स्ट्रेची भी हैं और बहुत मजेदार। मुंह में भरकर आंख, क्या यह वास्तव में डरावनी है? नहीं, सभी इतने खुश हैं। यह डरावना नहीं है बल्कि मजेदार है। ठीक है, सारा को क्या मिला है? अजीब है, यह एक आग बुझाने वाली मशीन की तरह दिख रहा है। पता नहीं इसके अंदर क्या भरा हुआ है। नहीं, मत खाओ। अच्छा सोचा, अगर यह खराब होगा तो फिर? यह स्वादिष्ट है, तो इस वक्त बुरा क्या हो सकता है? ऐसा तो नहीं ना कि इसका स्वाद खराब हो जाएगा। छी, यह भयानक है। तुम भी इसे चक्कर देखो एमा। एमा को इसकी उम्मीद नहीं थी। यह क्या है? फिर से खाना है? उनके होंठ स्थायी रूप से खट्टे ही रह जाने वाले हैं। दोस्तों चलो पता लगाते हैं कि इस दौर में क्या इंतजार कर रहा है। हमें इस बार स्वादिष्ट गमी स्ट्रिप्स मिले हैं। ये सबसे अच्छे होते हैं और सारा इस बात से स्पष्ट रूप से सहमत है। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे भी। तो एमा को क्या मिला है? वह क्या है? बेशक यह स्प्रे कैंडी है, खुशियों का खजाना। इसके सामने तो तुम्हारा डिश कुछ भी नहीं है। यह चीज तो जलती बुझती भी है। यह तो एक टॉर्च की तरह है। अंधेरे में हम इसके सहारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को खोज भी सकते हैं, जैसे कि किटकैट्स। क्या शानदार खोज है! मुझे एक आइडिया आया है। सारा के दिमाग में क्या आया है? यह तो कमाल का आइडिया था। लड़कियों को तो खुशियों का खजाना मिल गया है। ये, तुम पहले खोलो। नहीं तुम, नहीं अभी तुम्हें ही करना है। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये कैक्टस है। दिलचस्प। हाँ सारा, तुम बहुत बहादुर हो। और मुझ, अब तुम एक असली कॉवबॉय लग रही हो, और बुरी वाली भी। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ की इंस्पेक्टर बन गई हूँ। यह तो एक लड़ाई में बदल गई। गर्मियों के दिन एक छोटे से शहर में एक इंस्पेक्टर निकला था एक बदमाश को पकड़ने, और उनके किस्मत का फैसला होगा इन रिवॉल्वर के साथ। और इनके अंदर तो काफी स्वादिष्ट बुलेट है। क्या वह खट्टे कैंडी नहीं है? हाँ? नहीं, उसे खोलो भी मत। रुक जाओ, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। और मैं बस बैठकर इसका आनंद लूंगी। यह मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तक कि उसका ध्यान कहीं और है, तुम इसके लिए पछताओगी। क्यों? उसे अपने दोस्त की बात माननी चाहिए थी। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। क्या वो एक मकड़ी है? ओह, हम अच्छे हैं, ये कैंडी है। एकमात्र कीड़ा है जिसे हम यहाँ खाने के लिए तैयार है। अरे वाह गम, और यह हफ्तों तक चलने के लिए पर्याप्त है। मुझे एक आइडिया आया है। एमा, कितना बढ़िया ट्रीट है, एक पूरी प्लेट भरकर अच्छी सामग्री। वह कितना बढ़िया स्वाद है। क्या तुम्हें किसी से मिलवाट कर खाना नहीं है? तुम्हारा मुंह फटने ही वाला है। खैर
उसने वो सारा अपने मुंह के अंदर डाल लिया। यह बहुत शानदार होने वाला है। ओ यार, यह तो बहुत ही बड़ा है, पर यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अरे नहीं, तुम्हारा चेहरा गम से ढक गया है। क्या गड़बड़ झाला है। फिर से ढक्कन उठाने का समय। इस बार क्या मिला है? मुझे तो लगता है किसी तरह का सकर है। जरा इन होठों को देखो, कितना बढ़िया स्वाद है। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। ओह, मैं भी उतनी ही खुश हूँ। एक छोटा टॉयलेट, वाह। क्या यहाँ कोई और भी भ्रमित है? यहाँ खुश होने के लिए बहुत कुछ है। यह रहा मेरा सकर, और इसे चीनी के कटोरे में डिप कर देती हूँ। खट्टा और मीठा, बहुत स्वादिष्ट। यह वास्तव में बहुत अजीब लग रहा है। किसे एक बड़ा किस चाहिए? नहीं धन्यवाद, नहीं। अच्छा तो ये लो। अरे यह भी स्वादिष्ट है। एमा, वे तुम पर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। क्या खूबसूरती है। मैं नहीं, इस पर पहले तुम देखो। बबल गम। एमा को आज हर तरह के गम मिल रहे हैं। यह सही नहीं है। मुझे लगता है वो एक बार फिर से पूरा खा लेगी। मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे भी चाहिए। हाथ हटाओ, कितनी लालची है। वैसे भी अब मुझे यह नहीं चाहिए। सारा के पास अपना व्यंजन है। इसके अंदर क्या है? लाल कैंडी। यह बिल्कुल सही है। सारा, तुम अपने बालों को इस तरह हवा में उड़ाते हुए बहुत सुंदर लग रही हो। एक और विशालाकार का बबल। खैर, मैं इसे नहीं फोड़ूंगी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। और हवा में उड़ जाओ एमा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। कमाल है। लड़कियों, क्यों ना इस बार अपने भोजन को अदला बदली करने की कोशिश कर लो। एमा, इसे खोलो। यह क्या है? एक घूमने वाला सकर। कितना अलग सा है। बस अपने कैंडी में थोड़ा मजा जोड़ने का एक तरीका है। अरे वाह, ये एक मीठा चूसने वाला बिंकी की तरह है। आंसू को दूर रखने के लिए अच्छा है। वह वास्तव में एक बच्चे की तरह है, पर मेरे बारे में क्या? यह सिरेस तो बहुत बड़ा है, और इसके अंदर कुछ स्वादिष्ट भरा हुआ है। यह दिव्य स्वाद वाला है। सारा, तुम्हारे पास और क्या है? या शायद तुम इसे साझा करना चाहती हो? ओह, यह क्या? एमा तो अब एक बच्चे की तरह रोना शुरू कर दी है, क्योंकि उसकी कैंडी पूरी तरह खत्म हो गई है। यह बहुत तेज आवाज है, यह कब तक चलेगा? ठीक है, मुझे उसको चुप कराने की जरूरत है। उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि यह काम कर जाए। बहुत अच्छे से किया सारा, तुमने वापस से सारा को सामान्य कर दिया। अभी क्या हुआ था? चलो देखते हैं पहले कौन जाता है। माफ करना एमा, पर कैचे ने कागज को हरा दिया है। यह एक ग्रेनेड है। नीचे हट जाओ। मुझे लगता है हम वास्तव में सुरक्षित हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। यह किस चीज से भरा हुआ है, पर वास्तव में क्या है? कैंडी। बहुत बढ़िया, जब तक कि वह विस्फोट ना हो। एमा, अपने चेहरे से वह युद्ध वाला रंग हटाओ और पता लगाओ कि तुम्हारे पास क्या है। वाह, यह नया है। तो इसे खोलकर देखो और हमें बताओ कि यह क्या है। पॉप रॉक्स, ये कमाल के हैं। वो मजेदार दिख रहे हैं। एमा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा आइडिया है। कोई जोखिम मत उठाओ। नहीं, ध्यान से। मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी। हमारे बालों को देखो। खैर, अब तुम समझ गई होगी।
यह सबसे ज्यादा लाल कैंडी है जो मैंने एक जगह पर एक बार में देखा है, अलग अलग प्रकार और स्वाद के, और हमारी लड़कियों ने इनमें से प्रत्येक का स्वाद लिया है। आशा है आपको भी इसे देखकर मजा आया होगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों।